मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें एक मोटिव है फीमेल्स को लेके, मतलब कोई गाली सबसे बड़ी बात नहीं है, जो कि ज़्यादातर रैप सॉन्ग्स जो बनते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, उनमें गालियाँ बहुत होती हैं और एक दूसरे से डायरेक्ट कंप्लेंस होती हैं, कटाक्ष होते हैं, वो सब कुछ नहीं है। स्ट्रेट वे एक सिंपल बहुत सुंदर रैप है जिसका मोटिव है, कुछ मोटिवलेस नहीं है ये गाना। जो भी सुनेगा वो बहुत पसंद करेगा, खासकर फीमेल्स भी इसे लाइक करेंगी बहुत। आपको मैम कैसा लगा ये गाना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जी ने गाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा माहिर जी का ये गाना, मतलब बहुत हिट होगा। म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे? म्यूजिक तो है ही बहुत अच्छा इनका है, इकबाल भाई का। इनके साथ तो मैं कब से गा रही हूँ, जब से मुंबई आई हूँ तब से गा रही हूँ। इकबाल सरगम जी, मतलब ये तो बहुत पुराने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बड़े गुणी हैं ये। माहिर जी के साथ गाएंगे आप भी? अगर कोई डुएट अच्छा होगा तो गा लूँगी, क्यों नहीं गाऊंगी, बिल्कुल गाऊंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रब्बुल आलमीन का, और शुक्रगुजार हूँ मैं अपने पेरेंट्स का, और शुक्रगुजार हूँ मैं तमाम मेरी टीम और मेरे आप मीडिया एंड डेफिनेटली मेरे फैंस, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, मेरे ऑडियंस को जो मुझे इनक्रेज करती है और इनक्रेज किया है बहुत दिन से। मतलब जहन में था कि मैं इस चीज़ पे स्पेशली मैं कंडम करता हूँ अब्यूज़ को, गालियों को। तो गाली एक ऐसी चीज़ है जो इंसान फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, पता नहीं गम में, खुशी में, पता नहीं, आजकल के ज़माने से एक ट्रेंड बना हुआ है। तो मुझे हमेशा ये बहुत ही अजब सा फील होता था, तो मैंने इस चीज़ पे, मैं इसको कंडम करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ को, मतलब चेंजेस आए, तो इसको कैसे पेश किया जाए। तो मेरी जहन में ये बातें थी, मैंने इसे लिखा और फिर इसे एक रैप के ज़रिए इसको मैं पेश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने में, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको पसंद आएगा। और ये एक एक्चुअली बॉम्बे का लोकल ट्रेन है, ट्रेन से लेके आप चौल समझ लीजिए, चौल से लेकर महलों तक, ये सबको मतलब झिझोड़ेगा। और ये एक मुंबई का बड़ा पाव बोले तो बड़ा पाव, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ें जो है, मतलब कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ कि ये सबको पसंद आएगी। म्यूज़िक दमदार है और मेरी जो रैपिंग है, जो मेरी रैपिंग में एटीट्यूड है, वो भी लोगों को पसंद आएगी। आई लव यू ऑल। वीडियो कब देखने को मिलेगा? कब? वीडियो भी बहुत जल्द है, हम लोग लेबल पे बात हुई हुई है, बात हो रही है, और जल्दी उस पर हम लोग काम करने वाले हैं और वीडियो भी बनाएंगे, अच्छे वीडियो बनेंगे। किस कंपनी के थ्रू? अभी मैं लेबल पे बात हो रही है, जल्दी इस पर डिस्क्लोज हो जाएगा। जैसा कि मैम ने बोला कि रैप सॉन्ग में गालियाँ होती हैं, लेकिन इसमें गालियाँ नहीं है और एकदम नेचुरल जो नहीं, गालियाँ होती हैं एक्चुअल में रैप में गालियाँ होती हैं, सिर्फ ये मेरा मुद्दा नहीं है। मैं जितने लोग जो गा रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, मेरा मानना है कि ज़िंदगी में लोग जो गालियाँ देते हैं, और नॉट ओनली गाली, आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमेन, ठीक है ना। तो मैं ये डेडिकेट करता हूँ अपने पेरेंट्स को, माओं को, और उन बहनों को, औरतों को, क्योंकि मैं उनकी मतलब चाहता हूँ कि सब तहे दिल से, बात तो सब कर रहे हैं रिस्पेक्ट की, लेकिन तहे दिल से ना अपनी ज़ुबान से वो जो बातें निकालते हैं, वो रिस्पेक्ट फिर कहाँ चला जाता है। तो वो जाने अनजाने में, चाहे वो चौल में बातें कर रहे हो, चाहे वो महल में बात रह रहे हो, उनकी ज़ुबानों में ये जो अल्फाज आते हैं, वो बातें आती, वो नहीं होनी चाहिए। मैं कंडम कर रहा हूँ इस बात का लेके, ठीक है। तो मेरी बातें गालियाँ जो हैं वो मुद्दा है। तो दम मारो, दम मार, दम मार, दम मार, बट गाली, नो अब्यूज, सिर्फ दम मार, गाली मत मार, गाली मत मार। जैसा कि मैम ने बोला, ये सुपर हिट है ये गाना, और इकबाल सरगम जी ने म्यूजिक दिया है, बहुत बेशक ये गाना हिट होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मैड, मतलब सपना जी एक अपने में लीजेंड है, डेफिनेटली बचपन से मैं स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में इन्हें मैंने सुना है, और आज भी वो जितने गाने इन्होंने गाए हैं वो पावरफुल है, आज भी फ्रेशनेस है। तो
वो इनकी ज़ुबान से जो बात निकली है वो सच ही है, ये सुपर हिट सॉन्ग है और हम लोगों ने इसकी म्यूज़िक बनाई, म्यूज़िक और क्रिएट की और पूरी टीम ने इसमें मेहनत की है, इकबाल साहब ने मेहनत की है, राजेश जी ने मेहनत की है, सब ने इस पर काम किया है और आने वाले टाइम में हम लोग और भी बेहतरीन काम करेंगे। और अभी जो ये जो बना है दम मार, ये डेफिनेटली हिट, सुपर हिट, एक अलग लेवल है, लोगों को दिल को छुएगा। मैंने बोला ना कि ये बॉम्बे का बड़ा पाव, बोले तो एकदम बिंदास लोगों के दिल को जाके इंटर कर जाएगा। आपको कितनी खुशी होगी कि मैम के साथ में डुएट सॉन्ग गाएंगे, कितनी खुशी? डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि मैं इनके साथ सॉन्ग गाऊं, ड्यूट करूं और डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मैं एक लिखूं और इनके साथ में मैं इसको मतलब परफॉर्म करूं। और भी कोई प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं बैक टू बैक, क्या कहना चाहेंगे अपने? मैं अभी जस्ट मेरे जहन में बस रैप ही है, रैप करना है मुझे। और रैप मींस मुझे इस तरह की जो मैंने मैसेजेस हैं जो मुझे पहुंचाना है, सोसाइटीज़ को देने हैं, वो एक ज़रिया जो माध्यम है वो हमको लग रहा है कि ये रैप के ज़रिए मैं कर सकता हूँ। एज ए एक्टर मैं कर सकता हूँ उससे भी, लेकिन स्क्रिप्ट वैसे ही मिले तो मैं उस पर भी काम करूँ, उस पर मैं ज़रूर एक्ट करना चाहूँगा। लेकिन रैप जो है मेरे, क्योंकि लिखना मेरे में कॉन्फिडेंट है कि मैं वो लिख सकता हूँ, वो चीज़ें मैं पेश कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा, मैं कर रहा हूँ उस पर। माहिर जी क्या कहना? सर मैं यही कहना चाहूँगा, 6 महीना पहले मैं भाई के गाना सुन चुका हूँ, मैंने उसी समय बोल दिया था कि हिट गाना है माहिर भाई आपका। और माहिर भाई बहुत अच्छा गाए और म्यूज़िक भी अच्छा दिया इकबाल भाई ने। और मैं तो ये चाहता हूँ कि गाना जल्दी से जल्दी मार्केट में आए और टी सीरीज जैसे ने लॉन्च करे भाई का गाना, उसके लिए हम लोग सभी कोशिश करेंगे। बहन जी है, हम लोग है, इकबाल भाई है, सपना जी है, सब लोग मिलकर करेंगे भाई। माहिर जी को तो मैं गवाऊंगा, सपना जी का होने के बाद में एक गाना मैं उनको पहले भी जुबान दे चुका हूँ, उसके बाद में मैं गवाऊंगा, बहुत जल्दी गवाऊंगा। माहिर जी लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे और थोड़ा गुनगुना देंगे हमारे ऑडियंस के लिए? तो मैसेज तो पूरे गाने आप सुनेंगे तो मैसेज ही मैसेज है। एक लाइन कोई भी गाना मेरे गाने का ही लाइन है, चल चल भाग भाग, चल चल भाग भाग, दम मार दम मार, चल चल भाग भाग, दम मार दम मार। भज्जी की दुकान में, दोस्ती की शान में, कभी परेशान में कभी सुनसान में, तेरी जुबान है गाली की दुकान है, तेरी कोई जात नहीं, तेरी कोई औकात नहीं, चल कट ले, पढ़ कर लिख कर सोशल में, इमोशन में, सपनों में, नींदों में, जीने में, मरने में, पढ़ दे गाली दे गाली दे, बटला को टकला को एड़ा को टेड़ा को गाली दे, दम मार दम मार, चिल्लाता जोरदार है, करता बलात्कार है, कहता चमत्कार है, बोले तो संसार है, जुबान बेजुबान है, तेरी ये पहचान है, शोषण करप्शन। दैट्स इट, थैंक यू।